हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी और आज वीकेंड भी है और मंथ एंड भी है, तो हम लोग आज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में निफ्टी में एक ट्रेड लिए थे, एक पुट सेल किए थे अराउंड 9:45 को। ये कैंडल में हम लोग रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल थे, एक जो अल्ट्रा बुलिश था, तो लगातार अप ट्रेंड में निफ्टी फायर कर रहा है। वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी बुलिश लग रहा है। बैंक इवन बैंक निफ्टी भी अपना जोन से एक बाहर आ गया है, तो लेकिन हम लोग निफ्टी में ट्रेड किया है। अराउंड एक कैंडल में हम लोग ट्रेड किया और स्टॉप लॉस हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। हम लोग राइड किया बाद में, एग्जैक्ट टॉप में नहीं, हम लोग कहीं पे 19,160 के आसपास निकल गए, पुट सेल किए थे और कैरी नहीं किया हम लोग, पोजिशन कैरी नहीं किया क्योंकि वीकेंड भी है, इसके लिए हम लोग कैरी रिस्क नहीं लेते हैं। हम लोग तो ज़्यादातर इंडेक्स में हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, बिना हेज का हम लोग कैरी नहीं करेंगे। वो एक डायरेक्शनल ट्रेड था और निफ्टी में और डेली टाइम फ्रेम में देखिए, तो निफ्टी आप देख सकते हैं अनचार्टेड टेरिटरी में एकदम अल्ट्रा बुलिश है, तो अभी और बुलिशनेस रहेगी और ऊपर जा सकता है मार्केट, और क्योंकि ऊपर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, अनचार्टेड है ना, तो कोई रेसिस्टेंस नहीं, तो बोल नहीं सकते कि कहाँ तक जाएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे सब वो ये तो आना ही है, प्रॉफिट बुकिंग आना ही है और थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होना ही है, तो सब पार्ट ऑफ गेम है, तो देखते हैं अब क्या होता है करके। और बैंक निफ्टी देखिए, तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना हुआ है और ऑल टाइम हाई क्रॉस करके एक बुलिश कैंडल बना हुआ है, तो एक अच्छा साइन है। और नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है मेरे को। निफ्टी में थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी बुलिश लग रहा है नेक्स्ट वीक कि निफ्टी से ज़्यादा बुल अपना अपना बैंक निफ्टी ज़्यादा भागता है। तो इंडिया विक्स देखिए, तो इंडिया विक्स भी कूल ऑफ हो गया, काफ़ी लो लेवल पे है, 10.80 करके, तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो कोई डर नहीं है मार्केट में। और हम लोग को कुछ ट्रेड किए थे ये महीने में, अपना एक जैकपॉट ट्रेड था, बोल सकते हैं स्नाइडर था, हम लोग का 208 का एक एंट्री थी और लगातार हाई बनाया इसने 268 का, तो एक ये होल्ड करने की राय है, ये होल्ड कर सकते हैं आप लोग, तो हमारे पास भी थोड़ा बहुत पोजीशन है, तो ये हम लोग होल्ड कर सकते हैं इसको, और अराउंड 27% का एक रिटर्न दे दिया उसने एक महीने में 27% कम नहीं होता है। और दूसरा ट्रेड था हमारा जैकपॉट ट्रेड था मान एल्यूमिनियम लिमिटेड, एक ब्रेकआउट के बाद हम लोग ट्रेड किए थे, लेकिन हम लोग एक टाइम टॉप पे नहीं निकले, हम लोग लगभग इधर यहीं कहीं 339 के आसपास निकले, फिर भी हम लोग को अराउंड 32% का रिटर्न देखने को मिला महान एल्यूमिनियम में, तो एक जैकपॉट ट्रेड था। और नारायणा नारायणा भी ना सॉरी, ये देखते हैं अभी, ये नारायणा हृदयालय, ये भी हम लोग एक ब्रेकआउट लेवल पे एंट्री लिए थे ना 8:24, और हमारा एग्जिट थी लगभग इधर 1036 में हम लोग एग्जिट किए थे, और हम लोग वापस इसमें एंट्री लेंगे रिटेस्ट होने, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होने के बाद, और इसमें एक और एक हम लोग को एंट्री लेना है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा एक कैंडिडेट है। और स्नाइडर हो गया, स्नाइडर भी अच्छा एक जैकपॉट था हमारा, और डिक्सन और एक अच्छा ट्रेड था हमारा, डिक्सन डिक्सन ने एकदम शानदार रिटर्न, 3,271 का एंट्री थी हमारा ब्रेकआउट कंसोलिडेट और ब्रेकआउट के बाद हमारी एंट्री थी, इसने हाई लगाया लगभग 4,700 का, तो एक शानदार रिटर्न दे दिया इसने हमारे एंट्री लेवल से लगभग अराउंड 37% रिटर्न दे दिया हम लोग एकदम टॉप में। हम लोग ये भी ये नहीं किए थे, हम लोग इसमें वापस हम लोग को एंट्री ले सकते हैं हम लोग, और थोड़ा कंसोलिडेट होने दो तो, और थोड़ा इसमें प्राइस एक्शन होने दो, उसके बाद हम लोग इसमें ये ले लेंगे, पोजीशन बनाएंगे इसमें। और भी है हमारा एक ट्रेड था प्रिसिशन, भी हमारा अच्छा खासा ट्रेड था प्रिसिशन, ठीक है, हम लोग पहले एंट्री ले चुके थे। और आरबीएल बैंक देख लीजिए, आरबीएल बैंक भी अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, 157 की एंट्री है अराउंड, ये भी 15-17% रिटर्न दे दिया, और हमारा एंट्री थी इसमें स्टार सीमेंट भी ठीक है, 134 की एंट्री थी हमारी, और ये स्नेहा लगे 149 अराउंड, एक 12% का रिटर्न दे दिया। जिंदा जिंदल सॉ, आपको पता है जिंदल सॉ एक फंडामेंटल पिक था हमारा 184 का लेवल पे, अभी हाई लगाया 260 का हाई लगाया है,
एक अभी टेक्नो फंडा फेंक रहे हैं, ये तो कंटिन्यू रहेगा। और सा बीएससी और सीडीएसएल, बीएससी और सीडीएसएल एक साथ चलता है, पैरेलल चलता है। अगर सीडीएसएल चलेगा तो बीएससी भी चलेगा। तो ये दोनों आप होल्ड करके रखिएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। और ई क्लक्स भी हमारा एक अच्छा एंट्री थी, और उसमें हम लोग स्विंग ट्रेडिंग किया। अभी एक्चुअली ये ब्रेकआउट के बाद एक इसमें एक सेल ऑफ देखने को मिला है, लेकिन ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, इसमें एक एंट्री बन सकती है। अभी वापस वही लेवल पे आ गए हैं। और हम लोग आज का न्यूज़ क्या है, आज अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी न्यूज़ में, जैसे कि नैम इंडिया, अपना निप्पॉन इंडिया और HDFC UTI वगैरह, 11% एक इंट्राडे गेन मिला है। इंट्राडे गेन क्यों मिला है कि एक न्यूज़ के चलते इसमें मिल गया। एक रेगुलेटर ने एक न्यूज़ का ऐसे भी नहीं इम्पोज किया कि जो जो भी चार्ज करना, स्टैंडर्डाइज चार्ज करेगा अपना जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो इसके चलते एक पॉजिटिव न्यूज़ है अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए। इसका एक रेवेन्यू भी इंक्रीज हो सकता है। तो एक रेगुलेशन मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा अपना इसमें सर्विस चार्ज में। एक कस्टमर के लिए भी अच्छा है, और इवन एसेट मैनेजमेंट कॉम्पिटिशन के लिए भी अच्छा है, कॉम्पिटिशन में चलते हैं। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इसके चलते एक इसमें एसेट अपना नैम इंडिया हो गया, और आपका HDFC AMC हो गया, और UTI हो गया। इसमें एक अच्छा नैम इंडिया में भी गया, एकदम 11% का रिटर्न देखने को मिला है, आज गेन देखने को मिला है। इसमें हम लोग नेक्स्ट वीक में अगर देखते हैं, अगर फॉलो अप कैंडल बनता है हम लोग ट्रेड लेंगे इसमें। और ट्यूसडे के दिन हम लोग एक ट्रेड किए थे, इंडियन ह्यूम पाइप फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, और आज के दिन में एक 4% का गेन देखने को मिला है। और हमारी एंट्री पे थी 201, और फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया 5% का। तो पार्सल बुक कर सकते हैं आप लोग। और ईपीएल में एक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा इसमें नीचे का नीचे ब्रेकआउट लेवल का नीचे एक स्टॉप लॉस है। तो ठीक है, होल्ड करेंगे, देखते हैं क्या होता है कभी। और ज़्यादा अगर स्टॉप लॉस के आसपास आएगा तो हम लोग इसमें एग्जिट करेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम लोग को वो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही बस। अभी नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग और वीकेंड में एक और भी हम लोग चार्ट एनालिसिस करेंगे, तो टेक्नो फंडा पिक भी लेकर आएंगे। और एक ये आज के लिए स्विंग ट्रेडिंग का यही है अपना नैम इंडिया, और आपका ये हो गया HDFC AMC, उसमें फॉलो अप कैंडल आना ज़रूरी है। और उसमें भी हम लोग एक नज़र बना के रखेंगे। और क्या हमारा बीएससी भी है, आज 1% डाउन था, लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट है। और इसमें अगर जैसे जैसे करेक्शन होता है उसमें पोजिशन ऐड कर सकते हैं। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी वो ब्रेकआउट लेवल में वापस रिटेस्ट करने आ रहा है, एक सॉलिड कंपनी है, और इसमें एक एंट्री और हो सकता है, दोबारा एक एंट्री ले सकते हैं आप लोग। तो एक अच्छा एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। जो भी ये अपना ब्रेकआउट लेवल पे वापस आ रहा है, अराउंड 3081 के पास आ रहा है, 80 80 75 के आसपास। तो और एक उसमें एंट्री हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही, सपोर्ट कीजिएगा, और मिलते हैं अगला वीकेंड एनालिसिस में। थैंक्स।